मैं तो देख रही ना, मैं तो नहीं टायरों में हवा भरवाने के लिए उधर है। हमारे टायरों में थोड़ी सी हवा कम है। जवारी है, मक्का नहीं है। मक्का तो होता, मक्का तो, अरे होते ना, लेकिन ये मक्का है। हाँ है जवारी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का हमारा व्लॉग है पब्लिक हॉलीडे स्पेशल। हम लोग जा रहे हैं आप 2 दिन के ट्रिप पे, तो मैं आप बने रहो मेरे व्लॉग में। मैं दिखाऊंगी कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं। Okay, ये देखो, इसको लगा ले, शर्मा क्यों रहा है यार, इसको शर्म आ जाती है, लगा ले। ये पापा ने लगा रखे हैं। सनी हेलो कर दो। हेलो जी सबको, राम राम। व्यान भी हेलो कर दो ना। वाह, तो अभी बस निकले हैं अपने घर से और आज का दिन देखो कितना अच्छा निकला है। वैसे दिखा रहा था बारिश, हमें तो लग रहा था कि पता नहीं पहुंचेंगे तो बारिश, लेकिन अच्छा दिन निकला हुआ है। हे विहान, हेलो, आए, हेलो, नहीं करना, नो एंग्री बर्ड, हेलो तो कर दे। यहाँ पे उधर है अपनी गाड़ी में हवा भरवाने के लिए, टायरों में। दिखाती हूँ, टायरों में हवा भरवा रहे हैं। ये विहान, ये मैन, अभी तेरे को नहीं उतरना, अभी तो मैं बस पापा उतरा है, पापा को गाड़ी में टायरों में हवा चेक करने। चश्मे पहन के मैं तो देख रही ना, मैं तो नहीं टायरों में हवा भरवाने के लिए उतर है। हमारे टायरों में थोड़ी सी हवा कम है। ये देखो कितनी हो जाएगी, 35 तक होती है, फिर फुल है, मतलब बोल गई ना बत्ती 35 पे। ओके, अब साहब पीछे दोनों वालों में भी चेक करेगा ऐसे, फिर चलेंगे आगे। भरवाने रुक गए अब। ये देखो सारे भागने को हो रहे हैं यहाँ से। बस ये सेल्फ सर्विस वाला है भाई, वैसे तो हर जगह ही सेल्फ सर्विस है भाई, कोई आके गाड़ी में खड़ा होके भर के नहीं देता है, आपको खुद ही भरना है। बट ये सेल्फ सर्विस का यहाँ पे ये है कि बाकी ये पेट्रोल पंप पे अंदर आपका काउंटर होता है, वहाँ पे जाके पे कर सकते हो। बट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई काउंटर नहीं है। ये आपको ये रही आपकी पे करने वाली मशीन, इस पर लिखा भी हुआ है पे है, अपना कार्ड लगाओ पे करो। ये देखो यहाँ पे ये सन्नी पे कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आप अपना खुद से पे करो और अपने पेट्रोल पंप जो भी आपका नंबर है, जैसे सामने लिखा हुआ है ना, कहाँ गया ये रहा, 3 या 4 अपने पेट्रोल पंप का नंबर डालो, पे करो, पैसे कटे, अपनी गाड़ी में भरवाओ तेल, चलो आगे। ये हो गया पे, अब अपना पे। अब सोच रहे होंगे कि भाई जहाँ से पहले हवा भरवाई थी वहाँ से पेट्रोल क्यों नहीं भरा है ना, तो देखना पड़ता है भाई यहाँ पे कितना लगा हुआ था। वहाँ पे $274 का लगा था और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे मेरी कंपनी है, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वो यहाँ पे हमेशा सस्ता होता है। यहाँ पे थोड़ा कम रेट पे था, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता लगा मिलेगा आप वहाँ से ही पेट्रोल भरवाओगे, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा आगे आ गए थे। यहाँ पे हमें ठीक रेट मिलता है हमेशा पेट्रोल का। ए मैन, ए बॉय, तो भाई ट्रैफिक भी देख लो कितना है। अभी बस निकले हैं घर से और ट्रैफिक की लाइन देख लो। सनी मुझे पहले ही कह रहे थे कि ज्योति ट्रैफिक मिलेगा, और मैं बहस कर रही थी, मैं कहा नहीं छुट्टी है, खाली मिलेगा खाली। तो हम आज जाएंगे, आज हम जा रहे हैं वैसे टोरंगा। हम वैसे पहले गए नहीं यहाँ पे कभी घूमने, पहली बार देखेंगे। सनी ने पता नहीं देखी है, सनी आपने देखी है पहले कभी? नहीं, सनी भी नहीं गए, मैं तो गई नहीं हूँ। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हमारे साथ जा रहे हैं वो आगे निकल गए हैं थोड़ा, मैं आ गई पीछे। इसका मन नहीं लग रहा था। मम्मा मम्मा, व्हाट आर यू ईटिंग? इसको भूख लग रही थी, अपना खाना खा रहा है अभी। राइस खा लिया क्या यार? हाँ अगर मैं इडली आऊंगा अभी जूस लूंगा। अगर मैं इडली आऊंगा तेरा जूस मिलेगा भी आगे से? आगे से जूस मिलेगा। हाँ भी, हाँ जूस अभी जो खा रहा है वो खा ले। अरे जूस पीना कितना पीना है? ये बैठा। अब तो ट्रैफिक फिर भी देखो कम हो गया है थोड़ा सा,
थोड़ा सा निकले हैं बाहर ट्रैफिक को खुला करके, मौसम कितना बढ़िया लग रहा है। अब तो थोड़ा सा गाड़ी स्पीड पे आई है हमारी, तब तो ऐसे मर मर के चल रही है, पूछो मत। सारी दुनिया तो बाहर होती है लॉन्ग वीकेंड पे। फिर जो यहाँ न्यूजीलैंड के जो लॉन्ग वीकेंड है ना, वो इंडिया मतलब लॉन्ग वीकेंड मतलब कहने का मतलब ये कि जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं ना सरकारी छुट्टियाँ, वो वीकेंड के पास ज़्यादातर होती हैं, तो ये लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। जहाँ पे आपको सैटरडे संडे होता है तो फ्राइडे सैटरडे संडे, या फिर सैटरडे संडे मंडे, तो तीन दिन मिल जाते हैं, तो उसको यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड बना देते हैं। तो ये सारी दुनिया फिर लॉन्ग वीकेंड पे बाहर भागती है घूमने के लिए। इंडिया में क्या होता है, अब पब्लिक हॉलीडे चाहे वेडनेसडे को आए या थर्सडे को आए, तो उसी दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली तो है ना सनी, यही होता है ना कि यहाँ के लॉन्ग वीक के पब्लिक हॉलीडे वीकेंड के आसपास ही दिखते हैं। तो बाहर इतवार ने छुट्टी हो तो एक बार फिर अगले दिन की कर दे सोमवार ने, तो इसलिए तीन छुट्टी बन जाती है वो, तो उसको लॉन्ग वीकेंड कह देते हैं। वैसे तो वीकेंड होता ही है नॉर्मली, इसलिए भी इसको लॉन्ग। अब हमारी इस बार चार छुट्टी है, एक फ्राइडे गुड फ्राइडे आ गया, शनिवार संडे आ गया, और फिर मंडे को ईस्टर, तो ये चार इतवार की आवे तो उसने एक सोमवार की छुट्टी दे देना है। हाँ। वो फिर उनको होता कि हमें सैटरडे संडे तो हुए हुए हैं। ये इंसान आगे से बोल रहा था तो मैंने सोचा चल इसकी तरफ ही कैमरा कर दूं, शक्ल मेरी दिख रही थी, आवाज इसकी थी, तो मैं इसके मुंह की तरफ कर दूं। शक्ल तो अपनी दिखाई जा मन को नहीं इतनी शक्ल। अभी आगे रुकेंगे थोड़ा सा पेट पूजा के लिए, भूख लग जाई अभी सुबह सुबह, इतनी भूख लगती नहीं है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो भाई मेरे से तो बाहर का खाए बिना रहा नहीं जाता है। सारा सोचता था घर भी खान दे तो, अब पूरे दिन घर पे ही नहीं खाते रहते, जब बाहर निकले हैं तो बाहर का ही खाना बनता है, फिर तो फिर थोड़ी रहा जाता है। तो डंक मारे जाओ बाहर का खान की। तो अभी आपको दिखाऊंगी रुके कहाँ पे, हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी रुक गए हैं, तो उनको वो पहले हमसे आगे थे ना, वो पहुंच गए हैं, तो अभी हम निकले पहुंचूंगी वहाँ पे, फिर मैं बता दूँ कहाँ पे रुके हैं। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों को खाना है ना बयान। ये है असली सुंदरता न्यूजीलैंड की। भेड़ों के खेत है, गाय भेड़ सबके खेत है, अगर रास्ते में आए तो और भी दिखाऊंगी। बने रहो मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में जानने के लिए कि आगे जाके कहाँ कहाँ घूम के आते हैं और कल के दिन कहाँ जाते हैं, उसके लिए मेरे सारे ब्लॉग देखो। ये जो मेरा ट्रिप है और ऑकलैंड टू टोरंगा वाला, मिस मत करना कोई भी। मक्का तो नहीं लगा।
सूखा पड़ा था बिल्कुल ही। और अब आगे नहीं है, टाहुना 50 की स्पीड है ना स्कूल जो है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा क्या बोल गए इसको, कस्बा गांव आ गया अभी। देखो न्यूजीलैंड के गांव सुंदर से हैं। अपने गांव का तो ये छोटा सा गांव, इसमें एक स्कूल होगा, छोटी सी दुकान, तो दो थोड़ी बहुत दुकान होंगी बस, जैसे पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ठीक है, कैफे होगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है फिर ये, क्योंकि यहाँ के लोगों को फिर बाहर जाना पड़ता है ना यहाँ से सामान लेने के लिए। गाँव में तो छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे अपने गाँव में होता है अड्डे पे दुकान होती है ऐसे लगा लो, बाहर ही इनका अड्डा ही है बस। ये ख़त्म गाँव, वापस दोबारा से स्पीड भी बढ़ गई यहाँ से, गाँव का बॉर्डर ख़त्म। देखो ये जवार है, ये सूख गई सारी, ये देख वो भैया तो सही खेती कर रखी जवार की, देख इस साइड भी जवार ही है, मक्का नहीं है, मक्का तो होता, मक्का तो अरे बोते ना, लेकिन ये मक्का ला हाँ है जवार ही। लोकेशन आ गई है जहाँ पे अब हम जाके रुकने वाले हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। जहाँ मैं पहुंच रहा था हम पहुंच गए हैं, और ये देखो मेरे पीछे कितनी सुंदर जगह है जहाँ हमने बुकिंग करवाई हुई है अपने घर की, ये देखो है ना पूरा आगे का व्यू है, और ये है घर जो हमने बुक किया हुआ है। आज हम यहीं रुकेंगे, कल भी यहीं, और फिर यहाँ से अपना जहाँ जहाँ घूमना है अपना जाएंगे। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, देखो घर के, घर का पीछे से दिखाती हूँ। भाई बहुत ही प्यारी जगह पे बुक करवाया है भैया ने, नो डाउट, कितनी सुंदर है ये घर पीछे से पूरा। अब लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने घर बुक करवाया होटल नहीं, यार हम लोगों ने होटल का एक्सपीरियंस भी लेके देखा हुआ है, बट घर की बात अलग होती है। घर में होता है कि आप अपना जो आपका जो भी सामान है अपना सब ले आओ, बच्चे के साथ यार पूरे टाइम बाहर तो खाया जाता भी नहीं है, तो हम तो अपना घर में ला के भी बनाते हैं आराम से, तो ऐसे अपने घर बुक करवा लेते हैं, फील लाइक होम। को अंदर से दिखाते है ना, ये डाइनिंग है, दीदी ने तो आके रेस्ट भी कर लिया, दीदी क्यों, और ये किचन, वाह, ये देखो भाई ये सब अवेलेबल होता है। एक रूम ये है, सारे पैर बसार के बैठे, और ये देखो रूम, ये बाथरूम साथ में अटैच, नाइस ना। एक रूम ये है, ये क्या है, एक रूम ये रहा, एक साथ ओहो बाथटब, कपड़े भी धोने हैं तो वॉशिंग मशीन भी है साथ में, और एक रूम ये रहा, ये रहा।
तो मैंने आपको पूरे घर का टूर दे दिया है यहाँ से। तो आज अभी हम यहीं रुकेंगे और अभी तो पहुँचे हैं, तो अभी मेरे ब्लॉग में रहो मेरे साथ, देखते रहो आगे हम कहाँ जाते हैं। तो मैं बनाऊँगी अपना नेक्स्ट ब्लॉग, इसके बाद अब तो रेस्ट करेंगे, वही थक गए, पहुँचने में इतना टाइम लग गया, 2-3 घंटे तो लग ही गए। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को भी लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगली सुंदर सी जगह पे।